व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं एलिफेंट डिज़ाइन और काफ़ी बेहतरीन काम करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको लेना है कंगनी, गोल्डन कलर का लेना है या फिर आप दूसरे कलर का भी ले सकते हो। इसमें दो साइज़ की आती है, एक पतली एक मोटी। आप दोनों साइज़ का यूज़ कर सकते हो, पतला भी मोटा भी, बट आप साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे, जो आप वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। आप छोटा बना रहे हो तो बारीक साइज़ का लेंगे, अगर बड़ा बना रहे हो तो बड़े साइज़ का आप ले सकते हो। तो जो कंगनी होता है स्टार्टिंग में काफ़ी फिटिंग होता है, क्योंकि ये तार होता है, इसको हमको खींच के इसको चालू करना होता है, थोड़ा हल्का उसका निकालना पड़ता है हमको तार को, ताकि उसकी गैप में हमारा धागा चले जाए काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो पहले हम खींच लेंगे। खींचने के बाद हमको उसको हैंडल से, यानी कि 8 नंबर नील से हम उसको स्टिच करना है, टाकना है। ठीक है, उसके गैप गैप में एक एक करके हमको टाका मारना है। आप लंबा भी दे सकते हो, करीब करीब भी दे सकते हो। अगर लंबा देंगे तो ज़्यादा आपका अच्छे से बैठेगा, अगर दूर दूर दोगे तो आपका टाका जो है, आपकी तार वो उठ सकती है। जहाँ जहाँ पे आपका वर्क आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप कट दे सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका वर्क नहीं आ रहा है आप एक ही साथ में लेके जा सकते हो। एक ही साथ में लेके जाओगे तो ज़्यादा काटना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा काटोगे नहीं तो ज़्यादा आपका फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि ज़्यादा आपको काटना ना पड़े, कहीं ना कहीं आपका मिल जा रहा है वहाँ से आप मिला के कंटिन्यू करेंगे तो बेटर है। तार को बैंड करने के लिए, यानी जो हम जो कर रहे हैं कंगनी कर रहे हैं, इसको हल्का सा मोड़ने के लिए जहाँ पे हमको जगह चाहिए वहाँ पे हम इसको मोड़ना है, तो आप उसके लिए कैची का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप पकड़ का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका फिनिशिंग में आपका जो है रोटेट हो जाएगा। और जब आप कटिंग करते हो उसके एंड में आपको 3 से 4 बार टाका मारना, ताकि वो आपका ना उठे। ओके, उसके बाद लेना है आपको चैन। ठीक है, आपको लेना है एक बारीक वाला चैन, जैसे आपका साइज़ होगा, जैसे आपका वर्क होगा उसके हिसाब से आप चैन लेंगे। और जो धागा लेंगे वो गोल्डन कलर का धागा है, जिसने आपने टाका मारा है अभी कंगनी में, वो सेम कलर का धागा आप इसमें भी लेंगे। तो जो यहाँ पे हम जो चेन स्टिच कर रहे हैं, ठीक है, वो हम थोड़ा क्लोज करके कर रहे हैं, क्योंकि चेन स्टिच थोड़ा हल्का सा गैप वाला है, हम इसको थोड़ा क्लोज करके लगाएंगे, जो कि फिनिशिंग उसमें और अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको जो हम स्टिच करने के लिए जो नीडल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक तार का नीडल है, जिससे हम जरी स्टिच करते हैं। फिर उसके बाद आपको लेना है गोल्डन जरदोजी, जो कि हमारा नटवर लाल का है, GS9 का। आप वो कलर का ले सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर है और काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है। ठीक है, यहाँ पे हमको आउटलाइंस मारनी होती है, जो हम चैन मारते हैं उसके करीब से चिपका के हमको आउटलाइन लेके जानी है जरदोजी का दोनों साइड से। तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्ट्रास्ट कलर है, जो मेरे को कलर मिला है, मैं उसके हिसाब से कलर करूँगा। जो आपका कलर रहेगा उसके अपोजिट में, वो आप कलर इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने फेरोजी कलर यूज़ किया है, ताकि जो मेरे को जो कॉम्बिनेशन मिले वो ज़्यादा अच्छा लगे, इसके हिसाब से मैंने ये कलर यूज़ किया। आपको जो कलर लगेगा बेटर आप वो कलर लेके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाजू में से आपको जरदोजी की मटर माला लेके जानी है।
एलिफेंट के पैर के साइड में आपको तीन ऐसे दे देना, जैसे आप उसका पैर जो है वो एक अच्छा लगे लुक वाइज, तो वहाँ पे आप बीड्स दे के वहाँ पे उसको जरदोजी को आप लगा सकते हो। फिर वही गोल्डन को आप उसके यहाँ पे दांत पे लगा सकते हो, ठीक है, जो उसके ऊपर होते हैं। और जो आप जो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि इसमें आप गोल्डन यूज़ कर रहे हो, तो आपको गोल्डन को चारों तरफ से पूरा फैला के लगाना है, ठीक है, ना कि आपको इसको एक जगह पे ही डालना है। तो थोड़ा गोल्डन जरदोजी हम अंदर भी डालेंगे ताकि और अच्छा लुक आए, हमारा जो गोल्डन कलर है वो चारों तरफ से लगना चाहिए, जब जाके कॉम्बिनेशन सही तरीके से बैठता है। हमको लेना है नक्शी, एंटी कलर का लेना है हमको, ठीक है, और उसके लाइंस हमको मार देनी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्टिच करने जा रहे हैं वो मैट स्टिच है, तो सारे लाइंस को आपको कम्प्लीटली मार लेनी है। फिर आपको जो जरदोजी है हमारी एंटी कलर की, उसको काटनी है छोटी छोटी साइज में। देखो जो आप जरदोजी काटोगे ना, एक ही साइज से काटना है, हल्का सा आपको जरदोजी खींच लेना है, खींच के फिर आपको काटना है। और कैची जो यूज़ करोगे आप, उसमें धार कैची लेना, ठीक है, आपकी कैची धार नहीं रहेगी तो आपका फिनिशिंग में टाका जो है वो नहीं निकलेगा, आपके ख़राब हो जाएंगे वर्क। तो एलिफेंट के अंदर जितना भी आपको सब कुछ दिख रहा है, सबको आप जो है मैट स्टिच मार देंगे। उसके फेस पे भी आपको मैट स्टिच मारना है, उसके जो सूंड है उस पर भी आपको मैट स्टिच मारना है, और काफ़ी घना मारेंगे, कहीं से आपका जगह दिखना नहीं चाहिए। जो एंटिक नक्शी मारा है आपका वो दिखेगा चलेगा, बट आप जो जरूरी मारोगे वो आप घना मारोगे, साइज आपका एक ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो फेस पे है वहाँ पे भी आप नक्शी मारोगे, नक्शी के ऊपर जैसे आपने यहाँ पे मैट स्टिच किया है सेम आप वहाँ पे भी करोगे, ठीक है, खाली कान का हिस्से को आपको रुख चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं सेकंड जो कलर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर का रेशम यूज़ कर रहा हूँ, और जिसको स्टिच करने के लिए जनरल यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो 6 नंबर है। और यहाँ पे मैं फ्रेंच नॉट मार रहा हूँ एक ही बार घुमा के, ओके।
एलिफेंट के जो ऊपर साइड पे जो एरिया है उसके जो बदन पे लगा हुआ है हमारा एक कारपेट टाइप का, ठीक है, वहाँ पे हमको रेड कलर का रेशम से फ्रेंच नोट मारना है। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर दो।